नमस्कार किसान भाइयों, ये पिछली बार मैंने वीडियो डाला था, वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। उधर सिंधुदुर्ग में मेरा फार्म है छोटा सा, जहाँ पे आम के बगीचा मैंने बनाया, बहुत सारे हाई डेंसिटी में प्लांटेशन किया है, 6x3 पे। ये वेरी क्लोज प्लांटेशन है। ये यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में मैंने तो बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए, जैसे कि ये अपना यूरिया, DAP और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए थे मैंने। और उसमें मुझे पता चला कि इसमें जितना आप यूज़ करोगे उतना कम है उसका केमिकल्स का। जैसे कि हम लोग अगर ये पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो 1-2-4 दिन तक ठीक रहता है, 4-8 दिन बाद वापस से कीड़े आना चालू होता है और ये तकलीफ़ होती है। और ये रसायन से मतलब आपका पेड़ की लाइफ से हम लोग खेलते हैं। और इससे हाथ में अपने क्या आता है तो जहरीला खाना, और वो भी जितना चाहिए उतना तो आएगा नहीं। और मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि मेरा एक ये इसी बाग में मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए थे आम के, लेकिन उसमें से कुछ कुछ पेड़ जो है वो छोटे थे, जो बड़ी नहीं रहे थे। तो तकरीबन मैं साल 1.5 साल से उसको देख रहा हूँ कि कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। सारे मैंने प्रयोग किए, फिर बाद में वेस्ट डिकम्पोजर मुझे हाथ में लगा और उसका मैंने जब प्रयोग किया उसके ऊपर, तो लगभग 1.5 महीने में उसका ग्रोथ चालू हो गया और अच्छा खासा अभी हरा भरा हो गया। उसका भी मैं वीडियो दिखाता हूँ अभी। और ये उसी बाग में, ये 2-3 साल का बाग है मेरा, हाई डेंसिटी अल्ट्रा हाई डेंसिटी में बनाया मैंने 3x6 पे। और इसमें मैंने एकदम फाइनल डिसाइड किया, अभी ये रासायनिक में जाना नहीं है। पैसा तो बर्बाद, ठीक है पैसा तो हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन पैसा बर्बाद होता तो है और साथ ही साथ अपना हेल्थ ख़राब हो जाता है। और अपना ये जो इसका जो रिज़ल्ट जो है रासायनिक का, केमिकल्स फार्मिंग, वो रिज़ल्ट मतलब सही नहीं है। मतलब वो अगर सही भी रहता ना तो हम लोग उसको कंटिन्यू करते, लेकिन उससे जितना आप उसके ऊपर स्प्रे करते रहेंगे उतना ही उसका काम होता रहेगा। और मार्केट में बहुत सारा चल रहा है केमिकल फार्मिंग का, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, उनको पैसा बनाना है। तो ये राष्ट्रीय जैविक खेती गाज़ियाबाद, डॉक्टर किशन चंद्रा जी ने जो भी ये इन्वेंशन किया है, सच में ये बोलता हूँ कि ये इन्वेंशन बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। 20 रुपये की शीशी में, आज तक मैंने वापस कोई शीशी ली नहीं है, एक ही बार ली थी, उसके मैं घोल बनाता हूँ। मेरे पीछे जो आप टंकी दिख रही है, इस टंकी में मैं बनाता हूँ, देखिए ऐसा। तो उस टंकी में मैं वेस्ट डिकम्पोजर बनाता हूँ 200 लीटर में हर बार, और इसको मैं स्प्रे करता हूँ, ड्रेंचिंग भी करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पीछे आप एक आम के पेड़ पर देखिए कितना सारा फूल आए, देखिए सब फूल आए हैं इसके ऊपर। इसको बैक साइड से भी मैं दिखाऊंगा, सब फूल है ये आम के, ये पूरा भर गया है, मतलब देखिए एकदम पूरा भर गया है। एक और एक वीडियो दिखाऊंगा क्लोज, उसमें छोटे छोटे से फल भी आए हैं, छोटे छोटे साइज के, सब मैं दिखाऊंगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आप बेकार में केमिकल फार्मिंग अगर अभी भी कर रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हो और साथ ही साथ हेल्थ ख़राब कर रही है लोगों की, तो मत कीजिए कृपा करके। और आप ये वेस्ट डिकम्पोजर जो गाज़ियाबाद से मिलता है उसका इस्तेमाल कीजिए, पैसा भी बचेगा और साथ ही साथ जहर मुक्त आपको खाना मिलेगा, और आपके जो भी फ्रूट्स रहेंगे या फिर जो भी धान रहेगा उसका आपको सही दाम मिल जाएगा। धन्यवाद।